हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल RDY अंकुर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम में एक अलग ही चैप्टर जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि भाजकता के नियम। अब आप लोग कहेंगे, यार ये चीज तो पढ़ी हुई है, काफी जानते हैं कि भाजकता के नियम क्या होते हैं या डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं। बट यकीन मानिए, जिस तरीके से मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ, उस तरीके से आपने जरा सा भी भाजकता के नियम को कभी नहीं पढ़ा होगा। आपको ऐसी ऐसी चीजें समझने को आएंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो देखिए, वक्त बर्बाद ना करते हुए हम बढ़ते हैं आज के मैटर की तरफ। तो डिविजिबिलिटी रूल्स, तो डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है कि जैसे कि हम 18 में 6 का भाग दे रहे हैं, 18 में 6 का डिवाइड दे रहे हैं, तो कितना आता है 3। अब हमें कैसे मालूम चला कि 18 में 6 का डिवाइड देने पर 3 आता है? तो अपन जानते हैं कि 6 और 3 का अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होता है 18। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 से 3 का मल्टीप्लाई करने पर 18 आ रहा है, यानी कि 3 ही ऐसा नंबर होगा कि जब 6 का डिवाइड 18 में देंगे तो 3 आएगा ही आएगा। सेम अगर 12 में 3 का डिवाइड दे रहे हैं तो 4 आएगा। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि 3 4 का कितना होता है 12 होता है। ऐसे ही अगर हम किसी 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड दे रहे हैं, 5 0 के अलावा 5 ले लिया, तो अपन को मालूम है 5 में किसका मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा। 5 में 0 का मल्टीप्लाई करने पर ही 0 आएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे कितना होगा 0 आ जाएगा। हम जानते हैं अगर 0 में 11 का डिवाइड दे रहे हैं तो 11 में 0 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 0 आता है। तो इसलिए 0 में 11 का डिवाइड देने पे कितना आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्योंकि अपन एक चीज समझ सकते हैं कि 11 अकाउंट में 0 है, तो अपन जानते हैं 11 अपॉन 0 है, 11 में 0 का डिवाइड दे रहे हैं तो कितना आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि 0 में किसी भी नंबर का 0 का डिवाइड जब भी हम किसी नंबर में देते हैं तो कितना आता है इनफाइनाइट आता है, क्योंकि 0 बहुत ही छोटा नंबर है। और अपन जानते हैं कि नंबर जितना छोटा होता चला जाएगा डिवाइड देने पर आंसर उतना ही बड़ा निकल के आता है। तो जैसे ही यहाँ 0 पहुंचेंगे तो वो नंबर बहुत ही बड़ा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बहुत ही बड़ा होगा। और बहुत ही बड़े नंबर की कोई सीमा नहीं है, कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसी वजह से उसको हम क्या मान लेते हैं इन्फिनिटी मान लेते हैं। इसे बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट बोलते हैं। तो जब भी किसी नंबर में 0 का डिवाइड देते हैं तो इनफाइनाइट आता है। ऐसे ही 5 में डिवाइड देंगे 0 का तो क्या आएगा इनफाइनाइट आ जाएगा। लेकिन जब बात की जाए कि 0 में अगर 0 का डिवाइड दिया जाए, क्या किया जाए 0 में अगर 0 का डिवाइड दिया जाए, तो अपन जानते हैं 0 का मल्टीप्लाई 0 से करने पर भी 0 आता है, 0 का मल्टीप्लाई 1 से करने पर भी 0 आता है, 0 का मल्टीप्लाई 2 से करने पर भी 0 आता है। ऐसे ही हर किसी नंबर से 0 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 0 आता है। यानी कि कोई भी एक फिक्स वैल्यू ऐसी नहीं है जिससे कि 0 का मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आए। हर वैल्यू से 0 का मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है। इसी वजह से हम उस वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते, और जिस वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट बोलते हैं। यानी कि वो चीज तय ही नहीं है, उसको हम तय ही नहीं कर सकते। इसी वजह से याद रखना इनडिटर्मिनेंट और इनफाइनाइट में अंतर होता है। इनडिटर्मिनेंट को हम फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन इनफाइनाइट बहुत बड़ी वैल्यू होती है। इनडिटर्मिनेंट छोटी से लेकर बड़ी वैल्यू तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन इनफाइनाइट का मतलब है कि ऐसी वैल्यू जिसको हम पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसी वजह से दोनों में अंतर होता है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हम 0 का ही रूल ले लेते हैं। क्या करते हैं? 0 का ही डिविजिबिलिटी रूल हम ले लेते हैं। तो क्या होता है देखिए, 0 में हर नंबर का भाग चला जाता है, डिवाइड हो जाता है। याद रखना भाग यानी कि डिवाइड, सब जानते हैं जितना हम पढ़ते आ रहे हैं तो समझ में आ ही गया होगा डिवाइड को ही भाग बोलते हैं। तो 0 में हर नंबर का डिवाइड चला जाता है सिर्फ 0 के अलावा। जैसा कि अभी हमने पढ़ा यहाँ पे कि 0 में
पांच का डिवाइड भी चला गया था, ग्यारह का भी चला गया था, लेकिन जीरो का डिवाइड जीरो के अलावा किसी भी नंबर में, जीरो में जीरो के अलावा किसी भी नंबर का डिवाइड जा सकता है, या फिर जीरो का हर संख्या से डिवाइड चला जाता है सिवाय जीरो से, या फिर जीरो में हर संख्या का डिवाइड हो जाता है सिवाय जीरो के, यानी कि इस पोजीशन के, ये वाली पोजीशन नहीं होती है। और कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड नहीं होता है, जैसा कि अपन देखा इनफाइनाइट आ रहा है, तो जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड देंगे तो क्या होता है, इनफाइनाइट आ जाता है। तो कोई भी नंबर जीरो से भी क्या है, डिविजिबल नहीं होता है, तो हमें याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करें एक की रूल की, तो सीधी सीधी बात है, एक में अगर हम एक अपॉन एक कर रहे हैं तो मैम जी केवल और केवल एक का ही डिवाइड गया है, लेकिन मैं वन अपॉन टू करूं तो डिवाइड नहीं जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। वन अपॉन थ्री करूं तो पॉइंट का ख्याल लेना पड़ेगा, यानी कि एक के अलावा किसी भी नंबर का डिवाइड एक में नहीं जाता है। तो मैंने यही लिखा है कि एक में किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जाता है सिवाय एक के, केवल एक का ही डिवाइड जाएगा, किसी और नंबर का डिवाइड नहीं जाएगा। और सभी नंबर एक से डिविजिबल होते हैं, किसी भी नंबर के अपॉन वन लिख दो वो नंबर वन से डिविजिबल होता ही होता है, एक का डिवाइड सभी नंबर में चला जाता है, सभी नंबर एक से डिविजिबल होते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर दो से डिवाइड दे रहे हैं, चार से डिवाइड दे रहे हैं, आठ से डिवाइड दे रहे हैं, सोलह से डिवाइड दे रहे हैं, तो पता कैसे करेंगे कि कैसे डिवाइड जाएगा। तो सीधी सीधी बात है, अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ, कितना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, अगर उसकी लास्ट की डिजिट में दो का डिवाइड चला जाए तो वो नंबर दो से डिविजिबल होगा। जैसे कि मैं लिखूं 6785, लास्ट की डिजिट कौन सी, ये वाली लास्ट की डिजिट है, तो 6785 में कितना लास्ट डिजिट है, पांच। अब पांच में अगर दो का डिवाइड चला जाएगा तो इसमें भी चला जाएगा, और पांच में अगर दो का डिवाइड नहीं जाएगा तो इस नंबर में भी दो का डिवाइड नहीं जाएगा। तो ये होता है दो का डिविजिबिलिटी का रूल। तो पांच है, पांच में डिवाइड जाएगा ही नहीं, तो इसी वजह से इसमें भी डिवाइड नहीं जाएगा। अब चार का अगर नियम पढ़ रहे हैं, किसका नियम पढ़ रहे हैं, चार का, तो चार के लिए लास्ट टू डिजिट में चार का डिवाइड चला जाए, जैसे कि 7884। तो हमें पूरे में डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल 84 में ही हम चार का डिवाइड देंगे। अगर 84 में चार का डिवाइड जा रहा है तो इसमें भी जाएगा, और नहीं जा रहा है तो नहीं जाएगा। ऐसे ही अगर बात करेंगे आठ की, तो लास्ट थ्री डिजिट हो रहा है आठ के लिए, तो हम लास्ट थ्री डिजिट को कंसीडर करेंगे, ठीक है। 16 की बात की जाए तो 16 में लास्ट थ्री डिजिट में आठ का डिवाइड जाना चाहिए, तो अगर 884 है, 884 है, अगर इसमें आठ का डिवाइड जा रहा होगा तो इस पूरे नंबर में भी आठ का डिवाइड जाएगा, नहीं जा रहा होगा तो नहीं जाएगा। और 16 का रूल क्या होता है, अगर किसी नंबर की चार डिजिट में 16 का डिवाइड चला जाए, नंबर के लास्ट के चार डिजिट में 16 का डिवाइड चला जाए तो नंबर 16 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे 32 अगर होता तो लास्ट के पांच डिजिट में, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 4, तो अगर 2 में लास्ट डिजिट थी तो पावर 2 की पावर 2 होता है ना, 4 के अंदर 2 की पावर 2, तो इसी लास्ट 2 डिजिट ले ली। 8 के अंदर 2 की पावर 3, तो लास्ट 3 डिजिट ले ली। 16 क्या होता है, 2 की पावर 4, तो लास्ट 4 डिजिट ले ली। 32 क्या होता है, 2 की पावर 5, तो लास्ट की 5 डिजिट में भाग देंगे। 32 का जिस नंबर से चेक कर रहे हैं उसी का भाग देंगे, ठीक है। और जो 2 की जितनी पावर होगी उतने ही लास्ट डिजिट में हम भाग देके देखेंगे, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। और देखो एक एग्जांपल देखते हो, कह रहा है ये नंबर लिखा है 8578730 25, में 8 का डिवाइड देने पर अगर रिमाइंडर निकलवा ले, क्या निकलवा ले कि रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, तो सीधी सीधी बात है 8 है, 8 क्या होता है 2 की पावर 3, यानी कि हमें लास्ट की 3 डिजिट पर डिवाइड देना, लास्ट की 3 डिजिट क्या है 025, तो 025 में हम 8 का डिवाइड देंगे। तो सीधी सीधी बात है 0 से मतलब है नहीं रहेगा 25, तो 8 3 24, रिमाइंडर कितना रह गया 1, शेषफल कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम डायरेक्ट इतने बड़े में डिवाइड ना देके सिंपल ऐसे ही डिवाइड निकाल सकते हैं, रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करना। वो कह रहा है इफ यदि एन एक 3 डिजिट्स वाली कोई संख्या है, कोई नंबर है, कोई संख्या 3 डिजिट्स है, कितनी डिजिट्स है उसके अंदर, 3 डिजिट्स है, कितनी है 3 डिजिट्स है, और एन स्क्वायर डैश 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 डैश, और लास्ट में कहते हैं 74, 2 डिजिट दे रखी है, लास्ट में क्या दे रखी है 2 डिजिट दे रखी है, तो एन की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, यानी कि अगर कोई 3 नंबर की कोई डिजिट है
एन जो है कोई तीन नंबर की डिजिट है, उसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 74 आ रहा है, 74 आ रहा है, तो ऐसी एन की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है जिनका लास्ट स्क्वायर करने पर लास्ट में कितना आए, 74 आए। अब आप एक चीज गौर करना कि एन स्क्वायर कितना है, एन स्क्वायर लास्ट में कितना है, 74। 74 क्या है, एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो लास्ट में क्या है, चार है, तो इवन है या फिर सम संख्या है, अपन जानते हैं इवन नंबर सम संख्या है, यानी कि और अपन हमेशा जानते हैं कि किसी इवन नंबर का स्क्वायर करने पर ही कितना आएगा, इवन नंबर आएगा, या इवन नंबर सम संख्या का स्क्वायर करने पर ही सम संख्या आएगी। अब चार है, अब सीधी सीधी बात, देखो एक का स्क्वायर एक होता है यानी कि चार नहीं आ रहा, दो का स्क्वायर चार होता है, यानी कि अगर एन स्क्वायर में लास्ट डिजिट चार है तो कोई भी एन नंबर जो भी है उसकी यूनिट डिजिट दो हो सकती है, तो दो का स्क्वायर चार है, तीन का स्क्वायर नौ है तो नहीं आएगा, चार का स्क्वायर सोलह छह आ रहा है नहीं आएगा, पांच का स्क्वायर पच्चीस पांच आ रहा है नहीं आएगा, छह का स्क्वायर छत्तीस छह आ रहा है नहीं आएगा, सात का स्क्वायर उनचास नौ आ रहा है तो इसलिए फिर से नहीं आएगा, आठ का स्क्वायर चौसठ कितना आ रहा है, 64, तो यूनिट डिजिट क्या है चार, और यहाँ पर भी क्या है चार, यानी कि एन की यूनिट डिजिट आठ भी हो सकती है, और दोनों दो या आठ क्या है, दोनों ही आपस में सम संख्या है, इवन नंबर है, तो सीधी सीधी बात है, और सम संख्या क्या होती है, दो से डिविजिबल होती है कि नहीं होती है, यानी कि अगर एन कोई सम संख्या है तो वो दो से डिविजिबल है, तो अगर मैं एन का स्क्वायर करूंगा तो दो का भी तो स्क्वायर करूंगा, तो एन स्क्वायर किससे डिविजिबल होना चाहिए, चार से डिविजिबल होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर दो से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर चार से डिविजिबल 100% होगा, उसका नंबर उसका स्क्वायर जो होगा चार से 100% डिविजिबल होगा ही होगा, ये हमेशा याद रखना। जैसे कि दो है, दो का स्क्वायर चार, तो चार चार से डिविजिबल है, 22 है, चलो हम लेते 14, 14 का स्क्वायर 196 कितना होता है, 196, तो ये भी चार से डिविजिबल होगा ही होगा, सीधी सीधी बात है, आपको नहीं यकीन तो चार से डिवाइड देके देख लेना, ठीक है। तो अब सीधी सीधी बात है, लेकिन और अपन ने क्या पढ़ा, चार का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, चार क्या है, 2 की पावर 2, यानी कि लास्ट की टू डिजिट में दो का डिवाइड जाना चाहिए, सही, चार का डिवाइड जाना चाहिए, लास्ट की टू डिजिट क्या है स्क्वायर में, 74, तो 74 में हम 4 का डिवाइड दे रहे हैं तो ये पूरी तरह डिविजिबल नहीं है, क्या नहीं है, पूरी तरह डिविजिबल नहीं है। तो जब 4 का ही डिवाइड 74 में नहीं जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई नंबर होगा ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पे क्या आए लास्ट में, 74 आ जाए, इसी वजह से एन की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। बहुत ही सिंपल फंडा था, अब इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान देते हैं। देखो कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर करें तो हमेशा उसकी यूनिट डिजिट क्या आ सकती है वो देखो, तो वो जीरो है किसी के एंड में, जीरो का स्क्वायर करने पे जीरो इंटू जीरो करने पे क्या होगा, जीरो आ जाएगा, तो यानी कि देखो गौर करना, जहां पे मैंने राइट का निशान लगाया यानी कि ये नंबर आ सकते हैं स्क्वायर करने पर, लास्ट यूनिट डिजिट ये आ सकती है, और क्रॉस का मतलब है कि ये कभी भी नहीं आएंगी स्क्वायर करने पर, कभी भी नहीं आएंगी स्क्वायर करने पर, दो कभी नहीं आएगा, तीन कभी नहीं आएगा, सात कभी नहीं आएगा, आठ कभी नहीं आएगा, लेकिन स्क्वायर करने पर हमेशा 0, 1, 4, 5, 6, 9 इन 6 नंबर्स में से कोई ना कोई नंबर हमेशा आएगा ही आएगा। जैसे कि चेक कर लेते हैं, 0 का स्क्वायर 0 होता है आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 होता है यानी कि आता है, 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 भी आ गया, 3 का स्क्वायर 9 तो 9 भी आ गया, 9 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 तो 6 भी आ गया, 5 का स्क्वायर 25 तो ये भी आ गया, 6 का स्क्वायर 36 तो फिर से 6 आ गया, 7 का स्क्वायर 49 यानी कि कैरी और यूनिट डिजिट कितना होगा 9 ये आ गया, 8 का स्क्वायर 64 यूनिट डिजिट 4 तो ये आ गया, 9 का स्क्वायर 81 81 तो फिर से 1 आ गया, 10 का स्क्वायर 100 0 फिर से आ गया, यानी कि कोई भी नंबर हो 0, 1, 4, 5, 6, 9 हमेशा ही उसके यूनिट डिजिट में आएंगे ही आएंगे, तो ये कभी भी नहीं आएंगे। अगर आपसे चार नंबर सीधे जाए और आपसे कहा जाए कि उनके
कि इन नंबर्स में से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या पूर्ण वर्ग हो सकता है तो बताइए, और उनके एंड में अगर 2, 3, 7, 8 दे रखा हो, अगर कोई भी नंबर इनमें से चेक करना हो कि इनमें से कोई है कि नहीं, तो अगर इन तीन चारों में से 2, 3, 7 और 8 में से अगर कोई भी यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, तो वो नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं, ठीक है। और बचे हुए नंबर को हम अपने फिर किसी ना किसी तरीके से सॉल्व करके देख लेंगे। अगर दो नंबर भी हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जिनके एंड में 2, 3, 7, 8 आ रहा है, तो नंबर तो आराम से कैंसिल हो गए। अगर ऐसे ही कहा जाए कि किसी भी नंबर कोई नंबर दे दिया जाए कि इस नंबर में से ऐसा क्या घटाया जाए या जोड़ा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जोड़ने या घटाने पर कोई चार नंबर में से दो या एक नंबर ऐसा है कि उसके एंड में 2, 3, 7 या 8 आ रहा है, तो वो तो कभी जिंदगी में होगा ही नहीं, कि उसको चेक करना ही नहीं, उस वाले ऑप्शन को चेक करना ही नहीं है। बचे ऐसे ऑप्शन जिनके एंड में 0, 1, 4, 5, 6, 9 आ रहा है, उनको चेक करने का आपको अपना तरीके से कुछ उनको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो गौर करते हैं, एक चीज और सीखते हैं कि किसी भी सम संख्या या इवन नंबर कोई भी है, अगर इवन नंबर क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, कोई भी सम संख्या है, इवन नंबर है, उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो उसकी लास्ट टू डिजिट क्या हो सकती है। किसी भी संख्या में अगर इवन नंबर दे दिया जाए, हमें इवन नंबर सम संख्या है कोई भी, 4 है, 14 है, 18 है, 422 है, 526 है, कुछ भी है वो नंबर, है ना, और उसका स्क्वायर किया तो उसकी लास्ट की टू डिजिट क्या होती है। अब तक अपन ने सिंगल डिजिट के लिए पढ़ लिया, अब बात कर रहे हैं कि अगर वो नंबर क्या है, सम है या इवन है, और उसकी अगर हमें लास्ट टू डिजिट मालूम पड़ रहा है कि ये टू डिजिट हो सकती है, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे। देखिए, अगर उसकी लास्ट की टू डिजिट अभी पढ़ा था मैंने कि 4 है, अगर कोई भी इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होता है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, 4 से डिवाइड होना चाहिए, और 4 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि लास्ट की दो डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड करनी चाहिए। तो मेरा एक कहने का तरीका यही है कि अगर उस नंबर की लास्ट की दो डिजिट 4 से डिविजिबल हो तो वो नंबर क्या हो सकता है, वो नंबर स्क्वायर हो सकता है। जैसे कि एक टिक का मतलब है राइट का मतलब कि वो अगर उसके लास्ट में ये नंबर आ रहे हो तो वो स्क्वायर होगा, और क्रॉस का मतलब है कि अगर उसके लास्ट में ये नंबर आ रहे हैं तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो देखिए, अगर लास्ट में आपका 04, तो 04 में 4 का डिवाइड जाता है, 14 में नहीं जाता तो 14 नहीं होगा, 24 में जाता 24 होगा, 34 में नहीं 34 नहीं होगा, 44 में 4 का डिवाइड जाता है तो 44 होगा, 54 में 4 का डिवाइड तो 54 भी होगा। मतलब ये वो है जिनके एंड में 4 आ रहा हो तो कैसे चेक करेंगे, मतलब कि 4 का मतलब है कि लास्ट तो 4 है, तो क्या करेंगे, 4 के आगे अगर कोई इवन नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर इवन नंबर लिखा हुआ है 4 के आगे, तो वो क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अगर 4 के आगे ऑड नंबर लिखा हुआ है 1, 3, 5, 7, 9 तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, आप आराम से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर लास्ट में 6 आ जाए तो 6 भी तो क्या है, सम नंबर ही तो है, सम नंबर का स्क्वायर करने पे तो क्या होता है, कोई भी सम या इवन नंबर है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, तो इवन में 6 भी आता है, तो अगर 6 आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, देखो 6 के आगे अगर ऑड नंबर्स अगर हैं तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, और अगर इवन नंबर्स हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। और अगर आपको इवन ऑड का फंडा याद नहीं रहता है तो आपको केवल इतना ही करना है कि उसके लास्ट के टू डिजिट्स में अगर 4 का डिवाइड जा रहा है, अगर वो नंबर इवन है और लास्ट के टू डिजिट्स में अगर 4 का डिवाइड जा रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब हमसे एक सवाल पूछा है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर, देखो 1294 लिखा है एक ऑप्शन, 1292 है, 1296 है और 1293 है। अब हमने पहली चीज क्या पढ़ी कि यूनिट डिजिट चेक करते हैं, तो 2, 3, 7 और 8 अगर लास्ट की डिजिट है तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे ही नहीं। तो इस वाले में 2 है लास्ट में तो ये तो होगा ही नहीं, और इस वाले में 3 है लास्ट में तो ये भी नहीं होगा। अब रह गए हमारे पास 94 और 96 वाले। अब
तुमने पहले तो सिंगल यूनिट डिजिट दिख लिया, अब देखें टू टू डिजिट। चेक किया तो ये क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो मैंने क्या कहा था, अगर कोई संख्या इवन है या सम है तो उसके लास्ट की टू डिजिट पे चार का डिवाइड अगर जाएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो यहाँ पे है 94, यहाँ पे है 96। तो अपन सिंपल सिंपल जानते हैं कि 94 में चार का डिवाइड नहीं जाता है, 96 में जाता है। तो सिंपल सी बात है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सी। तो हमने बिना कुछ भी सॉल्व किए बड़े ही प्यार से इस तरीके से अपन ने इसका आंसर निकाल लिया। ये तो हुआ 2 तक या 2, 4, 8, 6, 16, 0, 1 और 2 का अपना डिविजिबिलिटी का रूल या भाजकता के नियम। अगली वीडियो में हम आपको इससे आगे के भाजकता के नियम पढ़ाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, सवाल सॉल्व करने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि किस तरीके से फुली कंसेप्ट के साथ हर कंसेप्ट को क्लियर करते हुए किस तरीके से कॉम्पिटिटिव मैथ्स को पढ़ाया जा रहा है। आपको बहुत ही आसानी होगी मैथ्स पढ़ने में। तो मिलते हैं इससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।